अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है भाई? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आप देख रहे हैं चैनल मिस्टर इलेक्ट्रिक कैंडी आई भाई। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम आपको एक चेंज ओवर ब्रेकर के बारे में बताने जा रहे हैं। ये एक चेंज ओवर ब्रेकर है और नहायत मुफीद साबित हो रहा है जी आजकल। इसके फ़ायदे ये हैं कि आप अब एक आम घर में अगर एक डीपी बॉक्स लगा होता है तो उसके साथ अगर कोई चेंज ओवर टाइप मतलब आपने वो जनरेटर वगैरह चलाना है या दूसरा मीटर इंस्टॉल करना है एक ही घर में 2 मीटर चलाने के लिए, तो उसके लिए एक हमें अलहदा सिस्टम करना पड़ता था। जो रोटरी चेंज ओवर होते हैं या हैंडल वाले होते हैं या जो भी, तो उसके मद्देनज़र अब इन्होंने एक चेंज ओवर ब्रेकर निकाल दिया है। चेंज ओवर ब्रेकर, इसका फ़ायदा ये है, ये तो एक आपके डीपी बॉक्स में इंस्टॉल हो जाता है, मतलब इतना ख़र्चा वगैरह भी नहीं होता उसका, और दूसरा कि ये बआसानी कंट्रोल भी हो जाता है। जिस तरह ये देखें, अब ये ऑफ वे है, अभी ये इसका ऊपर एक पॉइंट हो जाता है और नीचे दूसरा पॉइंट। ये इन्होंने डायग्राम वगैरह भी दी हुई है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ये इसकी रीडिंग भी देख लें, 230 वोल्ट से 50 हर्ट्ज़ तक होती है। तो मतलब एक आम घर के लिए बड़ी मुफीद चीज़ है, जिसमें लोड की मकदार कम हो तो उसके लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लोड को डिवाइड करने के लिए जिस तरह 2 मीटर लगे हों घरों में, तो एक आप कहते हैं 15 दिन एक पे चलाने, 15 दिन दूसरे पे, तो ये बड़ी मुफीद चीज़ है। तो इसके कनेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो उसमें हमें 2, 4, 6, 8, 1 और 5, 1, 3, 5, 7 इस तरह मिलता है हमें। तो इसके जो कनेक्शन हैं वो मैं आपको बता दूं, इसके कनेक्शन जो आपने पहले 2 पॉइंट होते हैं 2 और 6, ये आपने एक फेज़ न्यूट्रल दे देना है, और 4 और 8 ये दूसरा इसका है, ठीक है। अब यहाँ से ये मेन इनपुट है इसकी, और आउटपुट जो है वो आपकी 1 और 5, 1 और 5 होती है, ठीक है। ये देख लें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, तो चलते हैं कनेक्शन करते हैं, देखते हैं। तो ये 2 वायर हम लिए हैं जी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रहे हैं, बाकी आपने काम बड़े तरीक़ेकार से करना है, ठीक है। ये हमारी एक वायर लग गई 2 पे और एक लग गई 6 पे, ठीक है। ये हमारा हो गया, फर्ज करें 1 मीटर हो गया, ठीक है। अब ये वाला हमारा हो गया सेकंड मीटर, ठीक हो गया। ये हमारी 4 तारें लग गई हैं, और इसको एज अ हम लोड ले लेते हैं, कॉमन जो कॉमन होता है ना इनका पॉइंट, वो हम ले लेते हैं। ठीक हो गया जी, अब हम इन दोनों को अलहदा अलहदा देते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि ये ठीक चला कि नहीं चला जी। तो हम अब सबसे पहले इसको एक कनेक्शन देंगे जी, ये हमने एक फेज़ न्यूट्रल दे दिया। अब हम चेक करते हैं कि हमारा लोड चला है कि नहीं चला। ठीक हो गया, ठीक है, ये हमारा कनेक्शन है जी, ये देख सकते हैं आप। अब हम नीचे करते हैं, अब हमारा दूसरा मीटर मतलब हमारा दूसरा लोड ये है, ठीक है। अब ये हम दे के चेक करते हैं जी, ठीक हो गया जी। तो उम्मीद करता हूँ जी आपको इस चीज़ की
बाखूबी समझ लग गई होगी। तो ये था आज का हमारी वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।